अच्छा डॉक्टर चौधरी, इसमें एक खासा बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैंने कोशिश की है वैसे थोरली स्टडी करूं। उसमें एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो अभी से स्टार्ट कर दिया गया है, कि डोंट यू थिंक दिस इज टू अर्ली कि आप बच्चों को ऐसी सोसाइटी में जहां पे पेरेंट्स का माइंडसेट ही होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके सरकारी नौकरी लेगा और अच्छी, यानी वो माइंडसेट ही नहीं है कि मेरा बच्चा एक एक बिजनेसमैन बनेगा, उसमें इतने लोअर लेवल से आप बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चे ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके इसके बारे में आपको क्या स्किल्स चाहिए, उसको तो इस चीज का होश ही नहीं। तो पहले बेहतर ना होता कि हम पेरेंट्स की इसमें थोड़ा सा उनका माइंड मेकअप करते, या टीचर्स को पहले से माइंड मेकअप करते, फिर लेटर ऑन 10th ग्रेड से या 12th ग्रेड से इसको इम्प्लीमेंट करते, लेके आते सब्जेक्ट को। तो इसके इतनी अर्ली इसे इसे इंट्रोड्यूस करवाने का लॉजिक क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को हमें वसीत तनाजुर में देखने की जरूरत है। इस जदीद दौर में डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और उसी तरह लोगों के जहन भी काफी सारी चीजों में बदल गए हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर आप YouTube इस्तेमाल करते हुए तिलावत कुरान पाक भी सुनते हैं, तो जिन साहब की ये तिलावत YouTube पर अपलोड की गई है, वो जानते हो या ना जानते हो, वो एंटरप्रेन्योर है। ये साहब डिजिटल मीडिया की वजह से अपनी बात उन हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो शायद आम हालात में मुमकिन नहीं था। वालिदैन सरकारी नौकरी को जॉब सिक्योरिटी या माशरे में इज्जत की वजह से बेहतर समझते हैं, मगर जब उन्हें ये पता लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी छोटे काम या नाकाम चीज का नाम नहीं, बल्कि इसके जरिए कोई भी शख्स खुद को लामहदूद हदों तक ले जा सकता है और मुआशी लिहाज से अपने आज और कल को महफूज बना सकता है, तो मेरा ख्याल है यकीनन वालिदैन इस बारे में मुस्बत तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। अब ये वाली बात कि क्या बच्चों को 5वीं तक से ही स्टार्ट करना चाहिए था या 9वीं 10वीं तक रुकना चाहिए था, तो मेरा ताल्लुक तालीम के शोबे से है। मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान में बेशतर ऐसे बच्चे हैं जो 5वीं तक पढ़ते हैं और 5वीं का इम्तिहान भी नहीं देते, वो 4थी में ही या 5वीं में इम्तिहान से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 25 मिलियन बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तालीम का ये हम 10 साल जो हमारी लॉस्ट वेजेस हैं, जिस दौरान हम अपने घर पे अपने माँ बाप का किसी फाइनेंशियल तरीके से हाथ बटा सकते हैं, हम वो स्कूल में गुजार रहे हैं, तो वो एक बड़ा लॉजिकल फैसला होता है। ऐसे बच्चे को भी एक कॉन्सेप्ट देना कि वो एक कारोबारी बन सकता है, वो नौकरियां मांगे नहीं, वो नौकरियां दे, ये चीज उन बच्चों को टारगेट करने के लिए जो आज नौजवान हो गए हैं लेकिन सिर्फ 5वीं तक पढ़े या वो भी नहीं। तो इसलिए 5वीं में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। 6th, 7th और 8th जिसका निसाब आजकल में बन रहा है, उसमें इसको एंटरप्रेन्योरशिप इन अ डिजिटल एज के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। 9वीं 10वीं में इसको मजीद उस तरह से पढ़ाया जाएगा। हमारी जितनी जितनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है हमारी, आज आप हुकूमत जितनी भी नौकरियां दे सकती है उसको डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल भी कर दें, आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते जितने नौजवान इस वक्त नौकरियां ढूंढ रहे हैं। आपको बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम देनी है, जिस तरह दीगर हाई पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज अपने निसाब में शामिल कर चुकी हैं कई सालों से, क्योंकि जब वो बच्चे निकलेंगे, वो हर बच्चा रेज्यूमे लेके एक ही नौकरी पर हजार हजार लोग अप्लाई करते हैं, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। और जब इन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो ये फिर कहाँ क्या करेंगे, तो ऐसे में ही फिर माशरे में फूट पड़ती है, माशरे में वो बच्चे गुमराह होते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की का सब्जेक्ट डालना और उसको एम्फेसाइज करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है।